50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है, इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सब के सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी, लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभावान प्रतिभागी हैं उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया, उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं, 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा मेरे सहयोगियों का, तो जो है हमारा योगदान है, लेकिन तो देवभूमि उत्तराखंड की
देवतुल्य ने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता प्रतिभा क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं, उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो हमारा काम पूरा हो गया है। आ जरूर रहा होगा मन में, अभी नहीं आ रहा होगा तो कभी अचेतन मन में आ जा रहा होगा कि अरे सिलेक्शन हो गया, अब तो पीसीएस अधिकारी बन गए, अब तो इस विभाग के अधिकारी बन गए, अब तो पुलिस उपाध्यक्ष बन गए, कहीं कुछ और बन गए। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं कि अब आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अब आज से आपका काम शुरू हो रहा है, आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई पुलिस उपाध्यक्ष, कोई कारागार उपाध्यक्ष और हमारे प्रेम अग्रवाल जी ने बताया कि उनके विभाग में भी अनेक पदों पर जो नियुक्तियां होने जा रही है, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर आप सब लोग आसीन होने जा रहे हैं। वित्त अधिकारी हैं, कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण और ऐसे अनेक विभागों में। भाइयों बहनों, ये सब जो आज एक अंतराल आपने तय किया है, एक आपने लक्ष्य प्राप्त किया है, ये सब आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से ये तय किया है। और सच में अब आपको अपनी क्षमताओं का, जो आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी प्रतिभा है, उसका उपयोग प्रदेश को गति देने में लगाना है, प्रदेश की उन्नति में लगाना है, प्रदेश की प्रगति में लगाना है और राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाना है। क्योंकि ये कालखंड बार बार नहीं मिलने वाला है, जब समय बीत जाएगा और हम सब सोचेंगे कि हमने ये काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, तो उस समय बहुत आगे जा चुके होते, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक भी महसूस किया होगा कि समय एक बार चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे अगर अमूल्य कोई चीज है तो हमारे सबके जीवन में ये समय ही है कि वो कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए आप सभी को जिन महत्वपूर्ण पदों की, दायित्वों की जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो न केवल समाज के सशक्तिकरण में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका आप सबको निभानी है। अब आप न केवल नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे बल्कि आपके निर्माण से यह भी तय होगा कि राज्य की कैसी उन्नति होगी, आपके विभाग की कैसी उन्नति होगी। और आप सब लोगों ने अपने भागों में जाकर
मैं एक बात जरूर आप सब लोगों से कहूंगा, क्योंकि आप सब अमृत काल के कर्मयोगी हैं, उस अमृत काल के कर्मयोगी हैं जिसने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है, तो आपके काम से आपका नवाचार भी दिखना चाहिए।